हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डागर कंसर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो एक बार सारे के सारे जल्दी से लाइक आ जाओ सबके सब। जय हिंद भाई नवीन नरेंद्र पाल जी, जय हिंद, बहुत बहुत जय हिंद। एक बार जल्दी से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाइए, और उसके बाद एक बार जल्दी से जो भी बच्चा लाइव आ जाता है मुझे बता दो एक बार, वीडियो वगैरह सब क्लियर है, क्योंकि आज यहाँ नेटवर्क थोड़ा स्लो है, तो आपकी वीडियो सही से चल रही है एक बार जल्दी से मुझे बता दो। चलिए, जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, सभी को जय हिंद। चलिए, तो भाई अपनी क्लास की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, आज अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में अपना टॉपिक शुरू किया था मेटल नॉन मेटल धातु और धातु टॉपिक हमने शुरू किया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे धातुओं के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमने धातु और धातु की विशेषताएं पढ़ ली थी। और उसके बाद अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कुछ धातुओं के बारे में। दो धातुएं भी हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने सोडियम के बारे में पढ़ा था और पोटेशियम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। दो धातुओं के बारे में हम पढ़ चुके थे, अब हम अपनी इस क्लास में अब पढ़ने वाले हैं हम किसको, आगे की धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे, धातुएं हमसे सिर्फ वही पढ़ेंगे जिनसे जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। वे फालतू की चीजें हम नहीं पढ़, हमें नहीं पढ़नी है। धातुओं के तथ्यों के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। तो इस चीज की आप टेंशन मत लेना कि भाई पता नहीं धातुएं तो कितनी होती हैं, 118 आवर्त तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, तो क्या 118 के 118 तत्व हमको पढ़ने पड़ेंगे? तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ही चीजें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है और उनके बारे में ही हम यहाँ पे आज बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी अपनी अगली धातु को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सोडियम हम पढ़ चुके हैं, पोटेशियम हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी धातु नंबर 3, तीसरी धातु हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और हमारी तीसरी धातु हम आज पढ़ेंगे चांदी के बारे में, आज हम इसे पढ़ेंगे चांदी। हमारी तीसरी धातु है चांदी, चांदी के बारे में पढ़ेंगे हम। चांदी को सिल्वर भी कहा जाता है भाई, चांदी को सिल्वर भी कहा जाता है। और जो चांदी होती है, जो सिल्वर होता है, उसका रासायनिक सूत्र होता है भाई अपना Ag। रासायनिक सूत्र क्या होगा? Ag से डिनोट किया जाता है। इनके लेटिन नाम क्या है वो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। आप उस चीज की टेंशन मत लेना, इन धातुओं से आपको सारे के सारे तथ्यात्मक प्रश्न, कुछ मिश्र धातुएं होंगी, उन मिश्र धातुओं में किस किस चीज का मिश्रण होता है, किस अनुपात में मिश्रण पाया जाता है, उस धातु का अयस्क क्या है, ऑक्साइड क्या है, ये सारी चीजें आप लोगों को PDF के रूप में भी मिलेंगी, ताकि आप सभी लोगों को एग्जाम के टाइम पे उन चीजों को याद करने में ज्यादा टाइम ना लगे और आपको पूरी कॉपी का रिविजन ना करना पड़े, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का रिविजन कर लो लास्ट के टाइम पे, यानी एग्जाम जो आपके सर पे होगा। तो अभी हम बात करेंगे चांदी के बारे में। तो देखो भाई, चांदी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो देखो, सबसे पहले तो चांदी से एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि चांदी जो आपकी होती है, ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है, ठीक है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक, सबसे अच्छी चालक होती है। विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है, बेस्ट कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। पूछ लिया जाता है कई बार, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन सी धातु होती है, तो सबसे अच्छी सुचालक होती है अपनी चांदी, ठीक है। चांदी के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रकृति में मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों अवस्थाओं में पाई जा सकती है। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है? तो देखो, मुक्त अवस्था का मतलब होता है अगर हमें कोई भी धातु पृथ्वी में इस तरह से प्राप्त हो जाए कि हमें उसको प्राप्त करने के लिए, यानी कि उसका शुद्धिकरण किए बिना यूं की यूं हमें प्राप्त हो जाए, और उसे अगर हम खुले में हवा में छोड़ भी दें, तो वो ना हवा के साथ कोई अभिक्रिया करे, ना फिर किसी पानी के साथ अभिक्रिया करे, किसी अन्य धातु के साथ स्वतंत्र रूप से अभिक्रिया ही ना करे, उस धातु को कहा जाता है मुक्त रूप में पाई जाने वाली धातु। तो चांदी एक ऐसी धातु है जो मुक्त और संयुक्त दोनों रूपों में पाई जाती है।
तो आप लिख लेंगे कि चांदी जो अपनी होती है मुक्त व संयुक्त, मुक्त व संयुक्त दोनों रूपों में पाई जाती है। ठीक है, दोनों रूपों में पाई जाएगी आपके आसपास, दोनों रूपों में अवेलेबल हो जाती है आपकी चांदी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे चांदी के बारे में। दूसरा, चांदी के भैया पतले पतले वर्क बनाए जाते हैं, वो सब तो आप सभी को पता ही है कि मोस्टली धातुओं के गोल्ड फॉइल बनाए के फॉइल बनाए जा सकते हैं, उनके पतली पतली शीट बनाई जा सकती है, तो चांदी की भी पतली शीट आसानी से बनाई जा सकती है। ये बात आप चांदी को के बारे में लिख लेंगे। अब देखिए, एक आपसे पूछा जाएगा कि भाई हम अपने दैनिक जीवन में चांदी का उपयोग कहां पे करते हैं। उपयोग से क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि चांदी का दैनिक जीवन में हम उपयोग कहां पे करते हैं। तो देखो, उपयोग कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो एक तो आभूषण बनाने में सीधा चांदी का उपयोग, जो धातु हमें मिल गई सीधा डायरेक्ट उसका उपयोग हम कहां पे करेंगे। तो पहला तो उपयोग होता है इसका आभूषण बनाने में। ठीक है, आभूषण बनाने में, आभूषण बनाने में उपयोगी होती है आपकी चांदी। दूसरा, दूसरा अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी आपको और कहां पे काम आएगी, तो भाई चांदी एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, यानी रोगों से लड़ने में, कीटाणु बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम होती है चांदी। इसी कारण चांदी के बर्तनों का उपयोग खाना खाने के लिए किया जाता है, या फिर कई दवाइयों में भी चांदी का यूज कर लिया जाता है। तो चांदी के बारे में दूसरा तथ्य आप ये लिखेंगे कि एंटीबायोटिक होती है, यानी कि इसके अंदर जीवाणु मारने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक की तरह भी यूज हो जाती है, एंटीबायोटिक का गुण, एंटीबायोटिक का गुण इसमें पाया जाता है, इसमें पाया जाता है। इसी कारण चांदी के फॉइल जो आप मिठाई के द्वारा खा लेते हो, कोई काजू कतली पे जो चमकीला चमकीला फॉइल लगा हुआ होता है वो क्या होता है, सिल्वर वर्क की तो होता है, और आप उसको जब खाते हो, आप उस मिठाई को खाते हो, तो वो चांदी का बना हुआ वो फॉइल भी आपके शरीर के अंदर ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग बीमार नहीं होते। एक धातु आपके शरीर में जा रही है फिर भी आप बीमार नहीं होते, इसीलिए बीमार नहीं होते क्योंकि वो जो है आपके शरीर में जाके क्या करेगी, रोगों से लड़ने की क्षमता को ही बढ़ाती है, वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, इसीलिए नुकसान नहीं पहुंचाती, इसीलिए हम उसको खा लेते हैं। उसके अलावा क्या आपने कभी ये देखा है कि जिस फॉइल में हम रोटी लपेटते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम की पतली चादरें जिसमें हम रोटी लपेटते हैं, क्या हम उस एल्यूमिनियम को खाते हैं क्या, बताइए क्या हम उसको खाते हैं, नहीं खाते हैं। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम रोग प्रतिरोधक नहीं है, वो तो बीमारी पैदा करता है। अगर गलती से हम एल्यूमिनियम फॉइल हमारे शरीर में चला जाए ना, तो वो हमको बीमारी कर देता है, रोग पैदा कर देता है हमारे शरीर में, इसी कारण हम उसका उपयोग नहीं करते, लेकिन चांदी रोग पैदा नहीं करती। ठीक है, एंटीबायोटिक की तरह यूज होता है। तीसरा इसका लिख लेंगे कि ये हमारे कहां पर यूज होगा, विद्युत, विद्युत के तार बनाने में उपयोगी। ठीक है, विद्युत के तार बनाने में उपयोगी। अब आप कहोगे कि चांदी के तार कौन बनाता है, तो भाई चांदी के तार जो सोलर प्लेट्स होती हैं, सोलर प्लेट जो घरों में लगवाते हो, उस सोलर प्लेट के नीचे, जो सोलर प्लेट नीचे से कनेक्टेड होती है बैटरी से, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली बैटरी होती है, वो जो बैटरी होती है उस बैटरी में चांदी के तारों का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत के तार बनाने में उपयोग किया जाता है। और तो कोई बहुत जरूरी ज्यादा ही ऊर्जा आपको प्राप्त करनी है, वहां पर चांदी के तारों का उपयोग कर देते हैं, बड़े लेवल पे उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि धातु है तो महंगी है, इसी कारण इसका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, इसलिए लिख लेंगे मिठाइयों की सजावट करने में। ठीक है, मिठाइयों की सजावट, मिठाइयों की सजावट करने में उपयोगी होता है आपका ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा चांदी में, और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो है कि चांदी कठोर धातु भी होती है,
ठीक है, कठोर धातु भी होती है, जैसे सोना नरम धातु है, 24 कैरेट सोने का कोई आभूषण नहीं बना सकते, लेकिन चांदी में बिना किसी मिलावट के ही चांदी के आभूषण बनाए जा सकते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब इसके साथ एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है कि चांदी को अगर आप गीला करके छोड़ दो तो चांदी का संक्षारण भी होने लग जाता है, चांदी पर जंग लगने लग जाता है, जैसे लोहे पे जंग लगता है वैसे ही चांदी के ऊपर भी काली काली परत चढ़ जाती है, काली काली परत होने काली पड़ने लग जाती है हमारी चांदी, और जिसके कारण फिर वो अपनी चमक खोने लग जाती है, वो उतनी चमकीली नहीं रहती जितनी पहले होती थी। तो आप ये याद रखेंगे चांदी जो होती है उसके ऊपर सल्फर की परत, चांदी पर सल्फर की परत, ठीक है, चांदी पर सल्फर की परत चढ़ने के कारण यह काली पड़ना शुरू हो जाती है, यह काली पड़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, काली पड़ने लगती है, ठीक है, ये सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में काली पड़ने लग जाती है। अब आपको इसमें एक चीज और याद रखनी है जो बड़े काम की है, जहां से क्वेश्चन आर्मी में भी पूछा जा चुका है, चांदी के यौगिक, ठीक है, सिल्वर यौगिक, ठीक है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं चांदी के यौगिक क्या होते हैं, यानी कि यौगिक का मतलब है कि चांदी किसी और धातु के साथ मिलकर ऐसे कौन से नए यौगिक, कौन सा ऐसा नया मिश्रण बनाती है जिसका हम कहीं ना कहीं दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे, यानी चांदी अकेली नहीं होगी, इसके साथ किसी दूसरी धातु को या किसी दूसरी अधातु को मिश्रित करके कोई नया उत्पाद बनाया जाएगा, और फिर उस उत्पाद का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ पे करते हैं वो अपने आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो चांदी के जो यौगिक है वो वहां से क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, तो देखो सबसे पहले तो आप सभी को लिखना है चांदी का पहला यौगिक AgBr, पहला चांदी का यौगिक, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या कहा जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। भाई आप सभी को पता है एजी से सिल्वर चांदी, और चांदी को ब्रोमीन के साथ मिक्स करके जो नया उत्पाद बना, जो नया यौगिक बना, उस यौगिक का क्या नाम दे दिया, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखो ये जो होता है चांदी का उत्पाद, इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहां पे, कहाँ उपयोग करते हैं हम इसका, क्या जरूरत है हमें इसका उपयोग करने की, तो देखो इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, फोटोग्राफी में, ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। पुराने टाइम पे आप सभी को पता है कि फोटोग्राफर जो होते थे रील्स को एक लिक्विड में, तरल में, घोल में डुबा के रखा करते थे, उसके बाद हमें उससे फोटो मिलती थी, तो वो जो लिक्विड हुआ करता था, वो लिक्विड किस चीज का घोल हुआ करता था, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड हुआ करता था, जिसके अंदर फोटो को डुबो के रखा जाता था और बाद में फिर वो फोटो क्लीन हो जाते थे हमारे। तो यहाँ पे फोटोग्राफी जो आपकी होती है, फोटोग्राफी में उपयोगी होता है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, फोटोग्राफी में उपयोगी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। अगला होता है आपका सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, अगला क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड, AgI, ठीक है, AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, सुना भी होगा आपने सिल्वर आयोडाइड के बारे में, तो जो सिल्वर आयोडाइड होता है इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में, जैसे कि जो हमारे रेतीली एरिया होते हैं सऊदी अरब साइड के लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं सिल्वर आयोडाइड का, बादलों पर अगर इसका छिड़काव कर दिया जाए तो बादलों के अंदर फिर पानी को धारण करने की क्षमता कुछ समय के लिए क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, यानी अब उस पानी को वो लोड नहीं करके रख सकते जो पहले से उनके अंदर भरा हुआ था। इसी कारण मजबूरी में उनको वहीं पे बारिश करनी पड़ती है जहां पे सिल्वर आयोडाइड उनके ऊपर छिड़का गया था। सऊदी अरब के रेतीली साइड के एरिया जो ईरान इराक साइड के देश है वो इस कृत्रिम वर्षा का बहुत सहारा लेते हैं अपने पानी की जरूरत पूरी करने के लिए। तो जो अपना सिल्वर आयोडाइड होता है इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में, ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोगी। ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने में उपयोगी। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन आर्मी में पूछे जा चुके हैं, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। यूं समझ लीजिए चांदी आपका ऐसी धातु है जहां से इंडियन आर्मी क्वेश्चन पूछती है, चाहे वो आपके ये पूछ ले कि सबसे अच्छी धातु कौन सी है जो विद्युत की सुचालक है, चाहे वो इसके यौगिकों से क्वेश्चन पूछ ले, वो आपसे क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछती है, तो इस चीज की आप याद रखेंगे। तीसरा होता है अपना सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट तीसरा इसका यौगिक होता है सिल्वर नाइट्रेट। तीसरा यौगिक होता है अपना सिल्वर नाइट्रेट। अब इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, तो देखो जो अपन लोग इलेक्शन के बाद जब वोट डालते हैं तो वोट डालने के बाद आपकी इंक उंगली पे एक शाही लगा दी जाती है, इंक लगा दी जाती है, और वो इंक फिर इतनी पक्की होती है कि अगर एक मिनट भी आपने उसको अपने नाखून पे लगा छोड़ दिया तो उसके बाद आपका नाखून जो उसके ऊपर से वो उतरती नहीं है, ठीक है, वो उतरती नहीं है। तो वो जो शाही होती है उसी शाही को लूनार कास्टिक भी बोला जाता है, और वो शाही बनाने में उपयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसके बारे में इसका पहला उपयोग लिखेंगे कि इसका उपयोग जो होता है वो कहाँ पे होता है, अमिट शाही बनाने में। ठीक है, अमिट शाही ऊपर कर देती हूँ मैं इसको, अमिट शाही। अमिट शाही और इसी अमिट शाही को लूनार कास्टिक भी बोलते हैं। लूनार कास्टिक भी बोला जाता है, ठीक है, लूनार कास्टिक भी इसको बोला जाता है, ठीक है, और इसी को, इसी अमित शाही को वोटर इंक भी बोला जाता है, ठीक है, इसी शाही को वोटर इंक भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे आप, वॉटर इंक भी बोल देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला एक और लिख लीजिएगा, लास्ट इसका इसका यौगिक, चांदी बहुत जरूरी है, AgCl सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जो आपका होता है इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जानेंगे, हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, और ये चांदी का एक मुख्य है। यहां से क्वेश्चन आपसे बस यही पूछा जाएगा कि ये जो है इसे किस सिल्वर के नाम से जानोगे, इसे हॉर्न सिल्वर, इसे हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। इसे हॉर्न सिल्वर भी हम कहेंगे। ठीक है, हॉर्न सिल्वर भी इसको कहा जाता है, और ये चांदी का मुख्य यौगिक होता है। ठीक है, ये चांदी का मुख्य यौगिक होता है। ठीक है, ये चांदी का क्या होता है, मुख्य यौगिक होता है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपसे बात करेंगे
कि भाई जो इतनी चांदी के बारे में आपने पढ़ा है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये हमने चार चांदी के किसके बारे में बात करी, यौगिकों के बारे में, सिल्वर क्लोराइड के बारे में, सिल्वर नाइट्रेट के बारे में, सिल्वर आयोडाइड के बारे में, सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में। उससे पहले हमने बात करी कि चांदी में कालापन किसके कारण आता है, सल्फर के कारण। उसके पहले हमने बात करी थी कि चांदी का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ पे करते हैं। चांदी आपकी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु होती है और चांदी मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में आपके सामने, आपके पास अवेलेबल होती है, आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, चांदी के बारे में इतने सारे तथ्य जरूरी है जो आप लोगों को याद रखें। आगे अब हम आते हैं अपनी अगली धातु के ऊपर, और हमारी अगली धातु है नंबर चार धातु। नंबर चार धातु है हमारी, जिसे आप बोलेंगे सोना, जिसे आप क्या बोलेंगे, सोना, गोल्ड, गोल्ड। और इसी को किससे डिनोट किया जाता है, एयू से, एयू से चिन्हित किया जाता है आपके सोने को। ठीक है, क्योंकि इसका लैटिन नाम ओरम होता है, ओरम, इसी कारण, क्योंकि भी लैटिन नामों के कारण इनके नाम ऐसे निकले हुए हैं। तो आप इस चीज की टेंशन मत लेना कि पता नहीं नाम कहाँ से निकल निकल के आ रहे हैं, ये इनके लैटिन नाम है जिनसे इनके सिंबल बने हुए हैं। ठीक है, तो अगली अपनी कौन सी है, सोना। तो सबसे पहले तो सोने के बारे में आपको ये लिखना है कि जो सोना होता है ताप का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी किसकी चालक थी, चांदी तो थी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक, लेकिन ये होता है ताप का सबसे अच्छा चालक, ताप का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, ताप का सबसे अच्छा चालक होता है सोना, पहला तो आपको इसके बारे में ये लिखना है। दूसरा आपके आपको इसके बारे में ये लिखना है, सभी धातुओं में सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और सबसे ज्यादा तन्य धातु आपकी सोना ही होता है। यानी जितनी भी आपकी पृथ्वी पे धातुएं अवेलेबल हैं, उन सारी धातुओं में सबसे ज्यादा पतले और सबसे ज्यादा लंबे तार और सबसे पतली चादरें सोने की ही बनाई जा सकती है। यानी कि सोना, सोना सबसे ज्यादा, सोना सबसे ज्यादा तन्य व आघात वर्धनीय। अब पिछली क्लास में हमने तन्य और आघात वर्धनीय शब्द के बारे में बात कर ली थी, तो अब आपको इनका मीनिंग पता होगा। ठीक है, तन्य व आघात वर्धनीय धातु होती है। ठीक है, तन्य है आघात वर्धनीय धातु होती है अपना सोना। ये सभी आप लोग इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, अगर आप सभी लोग एक ग्राम सोना अगर आप ले लो, एक ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। ठीक है, एक ग्राम सोना, ठीक है, आप सभी को पता है एक तोला हम सोना जब सुनार के पास खरीदने जाते हैं तो उसमें 10 ग्राम सोना ऐड किया जाता है, 10 ग्राम ऐड होके एक तोला सोना बनाता है। हमें केवल कितना लेना है, एक ग्राम सोना लेके अगर आप उसके पतले तार बनाने की कोशिश करोगे ना, तो एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बन जाता है। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, 2 किलोमीटर लंबा तार आपका बन जाएगा। तो सोना जो होता है वो अपनी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु होती है। ठीक है, इसके बारे में लिख लेंगे कि यह धातु भी मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है, मुक्त व संयुक्त, मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। दोनों रूपों में अवेलेबल होगी आपके पास, दोनों रूपों में पाया जाता है सोना, मुक्त रूप से भी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती है। तो आपको बोल देगा सोडियम, आपको बोल देगा पोटेशियम, आपको बोल देगा एल्यूमिनियम, आपको बोल देगा सोना। तो आप सभी को पता है सोना पाया जाता है, चांदी भी पाई जाती है। तो जो जो धातुओं में हम ये लिखवाते जाए आपको कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है, उसको आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, याद जरूर रखिएगा।
अब देखो, अब आपको इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है कि जो सोना होता है वो किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है? कैसा है? एक अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए इसे अक्रिय धातु भी कहा जाता है। सोना एक अक्रिय या अक्रियाशील धातु है। सोना एक अक्रियाशील धातु होती है, अक्रियाशील धातु है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। किसी भी दूसरी धातु के साथ इसको रख दोगे, ये कोई नया यौगिक नहीं बनाएगा, यानी कि उसके साथ अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन वगैरह का को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन वगैरह का त्याग करना, ये सारी चीजें सोना अपना नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। एक तथ्य इसके बारे में और लिखेंगे कि यह क्षार के साथ, यह क्षार के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता, यानी किसी क्षार में अगर आप इसको डुबो दोगे तो ये उसके साथ भी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, ठीक है? क्षार के साथ भी किसी प्रकार की कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया आपका सोना नहीं करता। ये चार आप बात याद रखेंगे। परंतु परंतु आप सभी को पता है अपना एक रसायन होता है जिसे अमलराज भी कहा जाता है, रॉयल वाटर, शाही जल, और अमलराज जिसको कहा जाता है, जो अपना सिल्वर यानी सल्फ्यूरिक अमल और आपका HNO3 इसको मिला के बनाया जाता है। उसके बनाने से जो घोल बनता है उस घोल को आप क्या बोलते हो? अमलराज, ठीक है? वो अभी उस चीज पे ध्यान मत दो क्या कुछ मिलाया जाता है, कितना मिलाया जाता है, ठीक है? तो वो जो अपना होता है उसके साथ अगर इस उसमें इसको डाल दिया जाए तो ये घुल जाता है उसके अंदर, ठीक है? तो आप ये लिख लेंगे कि सोना अपना अमलराज, अमलराज में घुल जाता है। अब अमलराज है क्या, किससे बनता है, ये सब अपने अमल और क्षार वाले टॉपिक में करेंगे, ठीक है? अभी बस आप इतना याद रखो, अमल और क्षार, क्योंकि सोना एक धातु है और धातु किसी तरल में घुलती नहीं है, लेकिन ये सोना उस लिक्विड में अमलराज में घुल जाता है, ठीक है? ये आप बात याद रखेंगे, ठीक है? इस चीज को आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। अगला हम बात करेंगे, जो हमारा सोना है इसके कौन कौन से अयस्क हैं? पृथ्वी से यह हमें जब प्राप्त होता है तो किस घोल के साथ प्राप्त होगा, इसके अयस्क के रूप में हमें क्या पृथ्वी से प्राप्त होगा? तो इसके अयस्क, गोल्ड के अयस्क, सोने के अयस्क कौन कौन से होते हैं? तो देखो भाई, सोने के अयस्क होंगे दो। एक तो होगा जिसे आप बोलेंगे कैल्वेराइट, पहला अयस्क होता है जिसे आप बोलेंगे कैल्वेराइट, कैल्वेराइट, और दूसरा होता है सिल्वेनाइट, ठीक है? कैल्वेराइट और आपका सिल्वेनाइट, ये दो होते हैं हमारे जो सोने के अयस्क होते हैं जिनसे सोना हमें प्राप्त होता है, ठीक है? तो आपसे पूछ ले कैल्वेराइट किसका अयस्क है, तो गोल्ड का, सिल्वेराइट किसका अयस्क है, तो गोल्ड का, ठीक है? इन चीजों को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, हालांकि ये जीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जरूरी तथ्य है तो इधर लिख लेते हैं इसके साथ नोट डाल के कि भारत जो है वो गोल्ड का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे ज्यादा सोने की जरूरत हम लोगों को ही है, ठीक है? उपभोक्ता, सॉरी उत्पादक नहीं, उपभोक्ता, भारत सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। विदेशों तक से भी सोना हम लोग मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता देश होता है अपना सोना, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है? आप सभी लोगों को सोने के बारे में इतने तथ्य मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? अब देखो, इसका एक ही यौगिक है जो आपको याद रखना है, ठीक है? गोल्ड का कंपाउंड, ठीक है? सोने का यौगिक, सोने के यौगिक, इसके यौगिक कौन से हैं? जैसे चांदी के हमने अभी यौगिक पढ़े थे चार, चांदी के ज्यादा यौगिक थे, लेकिन सोने का आपको बस एक ही याद रखना है। सोने का एक ही यौगिक है जो आपको याद रखना है, जिसे आप बोलेंगे ऑरिक क्लोराइड, जिसे आप क्या बोलेंगे? ऑरिक क्लोराइड, AuCl, AuCl, ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड,
अब देखो ये ओरिक क्लोराइड जो है सोने का जो ये ओर है जो अयस्क है इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं? तो देखो इसका उपयोग किया जाता है जहर नाशक दवाइयां बनाने में। जहर नाशक यानी किसी को जहर वहर चढ़ जाए, कोई सांप को आप काट ले तो इसका उपयोग सांप के जहर के रूप में तो सबसे ज्यादा किया ही जाता है, ठीक है, उसके रूप में किया जाता है इसे, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका उपयोग किया जाता है जहर नाशक दवाई बनाने में, ठीक है, जहर नाशक। जहर नाशक दवाई बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख लेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि जहर को काटने की दवाइयां मोस्टली किस मेटल का यूज करके बनाई जाती हैं? तो आपके सोने का यूज करके बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो अब हम बात करेंगे कि जो आपका सोना होता है इसका हम उपयोग कहां पे करते हैं। ध्यान रखिएगा मिश्र धातु में मैं अभी नहीं करवा रही हूं आपको, ना मैंने चांदी के साथ कोई मिश्र धातु करवाई है, ना मैंने सोने के साथ करवाई है, मिश्र धातु है, क्योंकि फिर बच्चों को बाद में कंफ्यूजन रहता है। तो एक बाद में ना एक उसमें तुमको मिश्र धातु है, मिश्र धातुओं की तुमको एक पूरी पीडीएफ दूंगी मैं तुमको, सिर्फ आपको कि कौन सी मिश्र धातु किस किस से मिलके बनी है, कितनी कितनी मात्रा में उनको मिलाया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं फालतू के लिए कोई बच्चों समय खराब नहीं करना है, बेवजह एक घंटे तक मैं मिश्र धातुओं के लेक्चर तुमको देती रहूं उस चीज का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मिश्र धातुओं को आपका पीडीएफ मिलेगा, इसीलिए अभी साथ साथ में मिश्र धातु नहीं करवा रही हूँ। अभी आप हम यहाँ पे बात करेंगे उपयोग के बारे में, सोने के उपयोग के बारे में कि हम अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो एक उपयोग तो आप सभी को पता है, बताने की जरूरत है ही नहीं, आभूषण बनाने में, किसमें, आभूषण बनाने में। आभूषण बनाने में उपयोगी है। सबसे पहला उपयोग तो इसका अपना यही होता है, इससे हम क्या बना लेते हैं, आभूषण बना लेते हैं। दूसरा इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? तो भाई दूसरा इसका उपयोग किया जाता है कि इसके जो पतले पतले वर्क होते हैं, गोल्ड फॉइल जो होते हैं पतले पतले वर्क, वो दवाइयों में बहुत ज्यादा उपयोग होते हैं। चांदी का वर्क तो हमने मिठाइयों में लगा के सीधे सीधे खा लिया, लेकिन गोल्ड के जो वर्क होते हैं उनका उपयोग किया जाता है दवाई बनाने में। यानी कि इसके वर्क दवाई बनाने में उपयोग किए जाते हैं, दवाई बनाने में उपयोग होते हैं, ठीक है, दवाई बनाने में उपयोग होते हैं आपके सोने के वर्क, ठीक है। दूसरा विद्युत लेपन में भी, विद्युत लेपन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत लेपन में उपयोगी होती है अपनी अपना ये वाला, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा देखो, और जो सोना होता है इसके उपयोग तो इतने ही होते हैं, दैनिक जीवन में इतनी हार्ड मेटल है तो ज्यादा इसको वेस्ट तो नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे इसके कुछ मुख्य तथ्य जो यहाँ से सोने से संबंधित हमारे बनते हैं। तो सबसे पहले इसके कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में भी आप सभी लोगों को लिख लेना है, नोट डाल के, ठीक है, नोट डाल के सोने के बारे में आपको कुछ चीजें लिखनी है कि सोने की शुद्धता किसमें मापते हो, कैरेट में, ठीक है, सोने की शुद्धता को किसमें मापते हो, कैरेट में मापते हो, ये याद रखना है। दूसरा क्या याद रखेंगे कि 24 कैरेट कैरेट को कैसे लिख देते हैं भाई, 24 कैरेट सोना सोने के आभूषण, 24 कैरेट सोने के आभूषण सबसे शुद्ध सबसे प्योर माने जाते हैं, ठीक है, सबसे शुद्ध माने जाते हैं।
ठीक है, सबसे शुद्ध माने जाते हैं। 24 कैरेट गोल्ड के जो आभूषण बनाए जाते हैं वो सबसे प्योर माने जाते हैं, सबसे शुद्ध यही माने जाते हैं। परंतु क्या होता है ना, ये थोड़ा सा नरम होता है। जैसे चांदी तो थी, वो अपनी क्या थी, ऐसी धातु थी जो ठोस थी, उसका तो सीधा आभूषण बना लेती है। थोड़ी नरम धातु होती है, सॉफ्ट होती थोड़ी सी, इसी कारण इसके प्योर धातु का उपयोग करके आभूषण नहीं बना सकते। इसलिए इसमें क्या किया जाता है, आभूषण बनाते समय, क्या करते हैं हम, इसमें आभूषण बनाते समय इसमें या तो हम मिला लेंगे चांदी, आप सभी को पता है एजी चांदी का, या फिर हम मिला लेते हैं कॉपर तांबे का, चांदी तांबा या फिर आपका एल्युमिनियम, किसी एक का मिश्रण किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का मिश्रण किया जाता है आभूषण बनाने में। चांदी का कर लेंगे या फिर तांबे का कर लेंगे या फिर एल्यूमिनियम का कर लेंगे, किसी भी एक का मिश्रण करके आभूषणों को थोड़ी सी कठोरता दे दी जाती है 24 कैरेट में। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमारे पास जो आभूषण है वर्तमान में, उनमें कितने प्रतिशत तो सोना यूज करते हैं, कितने परसेंट मिलावट यूज करते हैं। तो देखो, आपके पास अभी सोना, अभी वर्तमान में हमारे पास जो आभूषण है वो तीन रूपों में अवेलेबल होते हैं। पहला 24 कैरेट आभूषण, 24 कैरेट जो के जो आभूषण होंगे उनके अंदर मिलेगा आपको 100% गोल्ड, 100% सोना उसमें मिलेगा आपको, उसमें कोई मिलावट आपको नहीं मिलेगी। दूसरे आते हैं अपने पास 22 कैरेट के, दूसरे अपने पास आते हैं आभूषण 22 कैरेट के आभूषण। 22 कैरेट के आभूषणों में क्या करते हैं, 92% तो सोना होता है, 92% तो सोना होगा, प्लस में 8% होता है उसके अंदर मिलावट तांबा। अब वो मिलावट भी किसकी करेंगे, तो इसी की बात, इन तीनों में से किसी एक की कर देंगे, पर ज्यादा मात्रा में मिलावट किसकी करी जाती है, तांबे की। कारण क्या है, क्योंकि सोना और तांबा कुछ कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनकी प्रकृति, जिनका रंग वगैरह मिलता जुलता है, तो आभूषण के अंदर दूसरी धातु मिलाने से थोड़ा सा आभूषण की चमक कम ना हो जाए, इसीलिए ज्यादातर सुनार तांबा ही यूज करते हैं। तीसरा हमारे पास आजकल अवेलेबल है 18 कैरेट के आभूषण, 18 कैरेट में होता है आपका 88% सोना, 88% सोना होता है, प्लस में 12% इसके अंदर मिलेगा आपको। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है, ये चीजें आप याद रखेंगे, ये आपका सोना है। और एक चीज और रखेंगे आप, एक होता है रोल गोल्ड, मूर्खों का सोना जिसे कहा जाता है, ठीक है, मूर्खों का सोना जिसे रोल गोल्ड भी कहा जाता है। जिसे क्या कहोगे आप, रोल गोल्ड भी कहते हो। ये मूर्खों का जो सोना होता है, ये ऐसा सोना है जो नाम तो सोना रख दिया लेकिन सोना कहीं भी यूज नहीं हो रहा। मूर्खों का सोना किसे कहोगे, रोल गोल्ड को। और इसमें क्या होता है, इसमें 90% तो तांबा, 90% तांबा प्लस 10% एल्यूमिनियम, 90% तो तांबा यूज होगा, 10% एल्यूमिनियम यूज होता है इस आभूषण को बनाने में। अब आप मुझे बता दो, सोना इसमें कहाँ है, सोना है ही नहीं। बनाने में सोने का उपयोग तो किया ही नहीं, और नाम इसको क्या दे दिया हमने, गोल्ड सोना। तो इसको बोल दिया जाता है मूर्खों का सोना। आपसे पूछ लिया जाए रोल गोल्ड में कितने परसेंट सोना यूज होता, तो 0%, 1% भी सोना इसमें यूज नहीं होता। इसका उपयोग किया जाता है नकली आभूषण बनाने में, ठीक है, नकली आभूषण बनाने में उपयोगी। ठीक है, नकली आभूषण बनाने में उपयोगी होता है आपका ये, ठीक है, क्योंकि जो 50-50 रुपए में, 100-100 रुपए में जो ज्वेलरी मेलों में मिल जाती है ना, वो सारे के सारे अपने यहाँ पे उपयोग होते हैं, यानी कि उनमें रोल गोल्ड होता है। तो यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। चलिए,
इसके साथ एक और कर लेते हैं हम, थोड़ा सा एक और धातु कर लेते हैं, अगली धातु छोटी कर लेंगे ताकि ज्यादा समय भी ना लगे अपना, ठीक है। धातु है अपनी नंबर 5 थोरियम, जिसे आप क्या बोलेंगे, थोरियम। चलिए थोरियम नहीं करते हैं क्योंकि थोरियम रेडियो सक्रिय है, इसको हम यूरेनियम के साथ करेंगे। अभी हम कर लेते हैं लिथियम के बारे में, लिथियम को एल आई ही चिन्हित किया जाता है, बिल्कुल जैसा नाम है वैसा ही इसका लेटिन नाम है, इसी कारण सिंबल और नाम याद करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस लिथियम के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक दो तथ्य याद रखने हैं। क्या तथ्य याद रखना है? सबसे पहला तो सबसे हल्की धातु होती है, ठीक है, सबसे हल्की धातु। जितनी भी धातुएं हैं आपकी उनमें सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, ठीक है, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अब इस लिथियम भाई सबसे हल्की धातु है तो इसका उपयोग फिर कहां करेंगे, कहां करेंगे, जहां पे हमें किसी चीज को धातु से बनाना है और उसको फिर ज्यादा वेट भी नहीं रखना, हल्का ही रखना है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। तो लिख लेंगे कि इसका उपयोग पेसमेकर बनाने में, इसका उपयोग पेसमेकर बनाने में किया जाता है। आपके हृदय की गैजेट होता है, किसी का हृदय सही से काम ना करे तो उसके हृदय की धड़कन को रेगुलेट करने के लिए पेसमेकर उसके हृदय में लगाया जाता है, और उस पेसमेकर को बनाया किससे जाता है, लिथियम से। तो इसका उपयोग पेसमेकर बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग पेसमेकर बनाने में करते हैं, तो याद रखेंगे आप सभी लोग इसके बारे में, ठीक है। तो यहां तक हमने अपनी कुछ धातुओं के बारे में पढ़ा है और अभी आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर क्योंकि अगली क्लास का भी टाइम थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है। तो भाई अब इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, फिजिक्स की क्लास 5 बजे बोल रहे थे बच्चे, पर भाई 5 बजे अगर क्लास लेंगे तो फिर वो 6 बजे वाली क्लास नहीं ली जाएगी, इसीलिए अभी 15-20 मिनट के बाद आपकी वो क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोग लाइव नहीं जुड़ सकते हो तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको देख लेना, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद सभी।